का इत्तेफाक का दिन है। आज मैं दिल्ली में जैसे ही सुबह घर से निकल रहा था तो सरकारी स्कूल के बच्चों से मेरा पाला पड़ा। एक दलित प्रोफेसर टीचर थे जो सरकारी स्कूल के बच्चों को लेकर मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे थे, और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, दिल्ली में सरकारी स्कूलों की हालत थोड़ी बेहतर हो रही है, और आपको भरोसा नहीं होगा, उसमें मैक्सिमम बच्चों से मैंने हाथ उठवाया, सबके सब एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चे थे जो सरकारी स्कूलों के सहारे हैं। मैं अभी दिल्ली एनसीआर में हूँ और ये तमाम मासूम के आप देख लीजिए, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, देश के कई राज्यों से हैं, मदरसे में रह के पढ़ाई करते हैं। आपको मैं इनके बैकग्राउंड बताऊंगा, और ये बच्चे इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो लोग मदरसा पर सवाल उठाते हैं वो सरकारी स्कूल पर सवाल नहीं उठाते। काश मदरसा की तरह सरकारी स्कूलों पर सवाल उठता और सरकारी स्कूल बेहतर होते तो इन बच्चों को मदरसा नहीं आना पड़ता, और अगर मदरसा नहीं हो तो इनकी शुरुआती तालीम भी नहीं होगी। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि एक जाति जो है, गरीबी जो है, वो जाति देखकर भी आती है। बहुत लोग होंगे थोड़ा बहुत खाने पीने की गरीबी होती है, जर जमीन की लग्जरी वाली गरीबी होती है, लेकिन इस देश का जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी है ना, वो एक एक टुकड़े के लिए मोहताज है। शुक्रिया मदरसा, शुक्रिया वो सरकारी स्कूल जिसकी वजह से हम जैसे लोग पढ़ पाएं, ये बच्चे शुरुआती तालीम ले पाएंगे और हो सकता है जिंदगी में कुछ कर पाएं, कुछ सफल हो पाएं। और सबसे बात कराऊंगा आपको कि किस तरह से इस देश को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को गरीबी के गर्त में धकेल दिया गया। मैं एनसीआर में हूँ। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद साबिर। कहाँ से आए हो? बिहार से। क्या कर, पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मिस्त्री। मिस्त्री का काम करते हैं। और घर में कितने कौन कौन लोग हैं? पापा, मम्मी, भाई, बहन। तो मम्मी भी कुछ काम करती हैं? ठीक है, चलिए। एक बच्चा, आपका क्या नाम है? इरफान। इरफान, जोर से बोलो ना। इरफान। कहाँ के रहने वाले इरफान? क्या करते हैं पापा? काम करते हैं। मतलब क्या काम करते हैं ये भी बताना। खेती बाड़ी करते हैं, दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं? नहीं, अपने। अपना खेत है। चलिए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सनवर आलम। मोहम्मद, कहाँ से हैं आप? बिहार से। आपके पापा क्या करते हैं? खेतीबाड़ी करते हैं। तो यहाँ कैसा लग रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? जी। कुछ सुनाइए, कब से रह रहे हैं यहाँ? 2 साल से। खाना मिल जाता है ठीक ठाक? जी। घर में कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं है? नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? अरशद। क्या करते हैं पापा? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी का भी मतलब समझिए, मैं लिख के दे रहा हूँ कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पास खेती बाड़ी भी नहीं है। और क्या नाम है आपका? अबू तलहा। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। अच्छा, पापा क्या करते हैं? अब्बा है? खेती बाड़ी। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, सब खेती बाड़ी नहीं करते हैं। तो आपका क्या नाम है? मोहम्मद अमन। क्या करते हैं आपके पापा? किसान के काम करते हैं। अच्छा, आपके पापा? मोहम्मद इसम आलम। हाँ। मैं पापा मसल का काम करता हूँ, मकान का। मकान बनाते हैं जी। तो देखिए, एक बात बता रहा हूँ, एक्चुअली इस देश में दिमाग में भर दिया गया है। कोई भी, जैसे मेरे बचपन में मुझसे कोई पूछता था तो मैं कभी नहीं बताता था कि पिताजी मेरे मजदूरी करते हैं, मैं बोल देता था खेती करते हैं। उससे एक थोड़ा सा ना सम्मान वाला भाव रहता है। इस देश में काम का रिश्ता सम्मान से है, और ये तमाम छोटे बच्चे हैं जिनके दिमाग में मैं भरना नहीं चाहता। और अगर इनकी माली हालत अच्छी होती तो वो अपने बच्चे को मदरसे में न भेजते, वो अपने से दूर न भेजते। भेजते भी तो इस देश में जिनकी माली हालत अच्छी है ना, जो ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं, उनके बच्चे बेलहम स्कूल में, दून स्कूल में, नेतरहाट में, सैनिक स्कूल, इन सब स्कूलों में पढ़ता है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इनके बहुत माली हालत अच्छा नहीं होगा, और इसके लिए कोई ऊपर वाला जिम्मेदार नहीं है, इस देश का सिस्टम जिम्मेदार है। इस देश को जिस जो चला रहे हैं वो लोग जिम्मेदार है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को सोशल स्ट्रक्चर, उन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ संविधान बनाया था कि यहाँ जाति आधारित, मजहब आधारित शोषण है, उसको उपाय किया जाए। मुसलमान तो फिर भी अपनी संपत्ति दे देकर अंग्रेजों से लड़े थे, लेकिन आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जानिए, आज़ादी के समय लगभग 30% मुसलमान मेन स्ट्रीम में थे, नौकरी पेशा में थे, आज 2 से 3% रह गई है। गलती कहाँ हो रही है आप लोग को भी समझना चाहिए। 60 सालों से इस देश में कांग्रेस की सरकार रही है, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो आपकी आने वाली, मैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूं, अगर आप अभी नहीं संभले, नहीं समझे, अपने हकों के लिए घरों से नहीं निकले, तो आपके बच्चे इसी तरह से लाइन लगाने के लिए मजबूर होंगे, पढ़ाई लिखाई से दूर होंगे, और आप सिर्फ लकीर पीटते रहिएगा। मैं ज्यादा कुरेदना नहीं चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? अबूबकर। कहाँ रहते हैं? कहाँ के हैं? बिहार। पापा क्या करते हैं? किसान। और आपके पापा? खेतीबाड़ी। कहाँ, किस जिला के हैं? पूर्णिया जिला। खेत में क्या क्या होता है आपके यहाँ? हर चीज होती है। जैसे?
मक्का होते हैं, गेहूँ होते हैं, धान होते हैं। अच्छा अच्छा, दाल होते हैं। पूर्णिया है ना, पूर्णिया है, वहाँ थोड़ा सा लैंड फार्मिंग है। सब लोग पूर्णिया के हैं? नहीं, ये बंगाल से हैं। अच्छा, आप बंगाल में कहाँ से हैं? बंगाल के हूँ। अच्छा, पापा क्या करते हैं? मिस्त्री करते हैं। मिस्त्री का काम करते हैं। तो यही लबो लुआब यही स्थिति है। ये बानगी देखिए, 99.99% जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी यही स्थिति है। गरीबी है, भुखमरी है। मैं दिल्ली NCR में हूँ, एक मदरसा चल रहा है। मजा आ रहा है पढ़ने में? यहाँ खाना मिलता है ना टाइम से? जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? है? आप ही चला रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मैं नहीं चला रहा, अरे उधर रज़ाक साहब। अच्छा अच्छा, आप मौलाना हैं? हाँ जी, मैं मौलाना। तो कितने बच्चे हैं आपके मदरसे में? तकरीबन यहाँ पे 45 बच्चे हैं, और कुछ बच्चे जो अभी छुट्टी का टाइम चल रहा है तो इधर बाहर बाहर घूमने उने गए। 45 बच्चे, कोई मदद मिल रही है सरकार से? मिल रही है? अपने चंदा चुटकी करके चला रहे हैं सर? यहाँ क्या नाम है, सरकार से कोई मदद नहीं, कोई हेल्प नहीं, बल्कि सब आवाम से मदरसा चलता है और उसी से चल रहा है। क्या क्या तालीम दे रहे? ये जो विज्ञान विज्ञान की तालीम, मैथमेटिक्स की तालीम वाली बात जो होती है ना, मदरसा में तालीम नहीं मिलती है मैथमेटिक्स नहीं, उनसे पूछे कि सरकारी की स्कूलों की तुमने क्या हालत कर रखी है? और जितने सरकारी मास्टर हैं, मैक्सिमम सवर्ण समाज के लोग हैं, उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। कोई बढ़िया कोई आदेश आया था कि सारे अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला कराओ, तो इस तरह के हालत। क्या नाम है आपका? इश्तियाक अहमद। अभी आप पढ़ाते हैं? जी सर, मैं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हैं? मैं यहाँ बच्चों को अरबी पढ़ाता हूँ। मैं इब्तदाई तालीम होती है, उसमें हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, स्टार्टिंग जो होती है तो उसकी तालीम दी जाती है। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ यहाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्णिया के। अच्छा, और तो आपके घर वाले वहाँ, क्या जमीन उमीन ज्यादा थी आपकी? आप कब से जुड़े यहाँ? मैं इसी साल से जुड़ा हूँ। ऐसे आप क्या करते हैं? पढ़ाते हैं यहाँ पे। पढ़ाते हैं? क्या नाम है? जसीमुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार में कहाँ? पूर्णिया जिला। बताइए, बिहार से मजदूर ही एक्सपोर्ट नहीं होता है भाई साहब, बिहार के पत्रकार ही एक्सपोर्ट नहीं होते। सवर्ण समाज के लोग पत्रकार बनते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, और जो हम जैसे बहुजन समाज के लोग हैं वो दिल्ली में, मुंबई में और दिल्ली NCR में मदरसे में पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। तो जितनी जो जहालत वाली जो काम है ना, वो सब हम ही लोग के जिम्मे हैं। चलिए, ये मासूम इस जहालत की जिंदगी से निकले, इसलिए तालीम बहुत जरूरी है। प्राइवेट स्कूल तो मुयस्सर नहीं होगा। क्या क्या पढ़ाते हैं आप लोग, क्या क्या बताइए? अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ाते हैं कि नहीं? नहीं, इंग्लिश नहीं होती है। तो उर्दू उर्दू हाँ, अरबी और क्या कहते हैं, छोटी मोटी इंग्लिश। शुरुआती तालीम मिल जाती है। खाना 3 वक्त का मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। रहना खाना सब फ्री है? सब फ्री है। तो इसकी आर्थिक मदद कहाँ से, जो समाज कर रहा है? समाज कर रहा है, जो आवाम करती है मदद, सब उनकी मदद करने के लिए तैयार है। मदरसा चल रहा है, आवाम से आवाम ही चला रही है, और बल्कि हम उनके पास जाते हैं मदरसे के बारे में। मस्जिद से कुछ मदद मिलती है? मस्जिद से कोई मदद नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये जो बड़े बड़े मंदिर ट्रस्ट में जो अरबों खरबों रुपए आते हैं ना, क्रिश्चियन लोगों ने स्कूल खोले, अस्पताल खोले, हमारे जो हिंदू धर्म वाले थे उन्होंने तो कुछ खोला ही नहीं, पता नहीं वो सारा पैसा कहाँ रखते हैं। और चलिए, मदरसे के नाम पर शुरुआती तालीम मिल जाएगी, अगर इन बच्चों को तालीम नहीं मिलती तो ये किसी मजदूरी कर रहे होते, किसी फैक्ट्री में बाल मजदूर बनने के लिए बेबस होते। सरकार पता नहीं किस तरह से व्यवस्था करती है, लेकिन यूपी में मदरसा को कुछ मदद तो, बहुत सारे मदरसे को तो मदद मिलती है सरकार की तरफ से? जो सर, जैसे सरकार के इसमें फंड में रजिस्टर है, उसे उन्हीं मदरसों को कुछ थोड़ा बहुत हेल्प मिलती है, वरना ज़्यादातर जो हमारे इंडिया में मदरसे हैं आवाम से ही चल रहा है। तो देखिए, इसके लिए ना मोदी जी को गलत मत ठहराइएगा। मोदी जी के समय लोग, ये सब मोदी सरकार से पहले के बच्चे पैदा हुए हैं, और 60 सालों से इस देश में इसी तरह से महीन तरीके से जिसकी भी सरकार है उसने SC ST OBC माइनॉरिटी के हिस्से में सिर्फ बदहाली ही दिया है, और उसी का नमूना है। और ये प्यारे मासूम बच्चे हैं, मैंने इनकी मर्जी से इनकी तस्वीर, आप लोगों को फोटो खिंचाने में कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, जरा स्माइल करो सब। खाना मिलता है ना ठीक से? हाँ, बढ़िया। अरे हंस लेंगे, ठीक है, जबरदस्ती थोड़ी ना हंसाइएगा। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए, और खुश रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए और खूब जिंदगी में तरक्की कीजिए। तो ये बहुजन समाज की हालत है, और ये कोई मोदी के समय न पैदा हुए हैं न इनकी गरीबी आई है। ये 70 साल से जो सरकार चल रही थी ना, जो मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करती है कांग्रेस, पिछले बार चुनाव हारी थी तो एक कमेटी बनाई गई थी एक एंटनी ने, उसने कहा था कि आप प्रो मुस्लिम हुए इसलिए आप चुनाव हार गए। तब से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मंदिर मंदिर घूम रही हैं, स्कूल कैसे खुलेगा इस पर बात नहीं कर रही हैं। तो आपको समझना है कि आपको
मिसाइल चाहिए या अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, और ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को सोचना है, क्योंकि जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, गाय गोबर की बात करते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करते हैं, उनकी 7 नस्लें, उनका इतना पेट भरा हुआ है, उनकी 7 नस्लों के पास इतना खाना है कि वो आपको इसी में उलझा रहेंगे। शहर की जितनी बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं ना, ये सब उन्हीं के हिस्से में है, आपके हिस्से में सिर्फ गरीबी है, बदहाली है, और आपके बच्चे कहीं मदरसे स्कूल के सहारे हैं तो कभी सरकारी स्कूल के सहारे हैं, और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में न पढ़ के प्राइवेट स्कूल में पढ़े और बाद में सरकारी आईआईटी आईआईएम में पढ़े, तो आपको अपने सरकार तय करनी पड़ेगी। और आप चाहते हैं कि शुरुआत में आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े तो बाद में वो मजदूरी करेगा किसी शहर में जाकर या गांव में जाकर। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नोएडा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।